क्या बढ़िया लग रहा है? बढ़िया। हाँ ठीक है। हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ बीरचंद पटेल मार्ग में, जो पटना में है, ठीक आरजेडी कार्यालय के सामने। देखिए वो आरजेडी कार्यालय है, उसी सामने लिट्टी खाने, मीठा वाली लिट्टी जो इनकी काफी फेमस है। ये देखिए सामने गोईठा है, इसी पे लिट्टी को पकाई जाएगी। ये हो रही है लिट्टी की प्रिपरेशन। पूछते हैं क्या क्या डाल रहे हैं इसमें, क्या क्या इसमें? चना का सत्तू है ये, और इसमें जवाइन, मंगरेला, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, मरचा, तेल, नमक, धनिया पत्ता, सबको मिक्स करके बनता है। क्यों ऑनर हुए हैं? क्या नाम हुआ आपका? अरमान नंदी यादव। अच्छा ये बताइए क्या क्या मतलब क्या मिलता है यहाँ? लिट्टी चोखा मात्र मिलता है। अच्छा गोईठा वाली लिट्टी? हाँ मिलर हाई स्कूल आरजेडी कार्यालय के सामने। तो गोईठा को डाला किया है ताकि इसमें लिट्टी और चोखा बन सके। अब देखिए बैगन को डाली जा रही है। दस मिनट में पक जाएगा। ये गोईठा को उलट पुलट कर रहे हैं ताकि बैगन के ऊपर डाल रहे हैं ताकि अच्छी तरह से पक सके। बस 10 मिनट में बैगन तैयार हो जाएगी। ये देखिए टमाटर को निकाली जा रही है, तो अभी फ्रेश टमाटर है, सबसे सेका जा रहा है, अच्छी तरह से सेका जा रहा है बैगन को। बैगन पक के तैयार हो चुकी है। बैगन को निकाल रहे हैं डब्बे में, सारी बैगन पक चुकी है अच्छी तरह से। अब टमाटर को ऊपर से डाली जा रही है। देखिए कब तक पक जाएगा टमाटर, ये कितना समय लगेगा? 10 मिनट इसमें भी लगेगा। कितने से पक गई और थाली में निकाली जा रही है टमाटर को। टेस्ट कैसा लगा लिट्टी का? टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। हम तो पटना में बहुत जगह खाए हैं, लेकिन इनका जो क्वालिटी है वो कहीं नहीं मिलता है। इनका आटा, इनका सत्तू, इनका मैंने ये ठीक है गोईठा पर बनाने का, गोईठा पर जो बनाते हैं इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। ये बहुत फायदे मैंने फायदा करता है। दूसरे आदमी जो लिट्टी बनाते हैं उनका आटा ही सही नहीं है, इनका है गेहूं का आटा जो है सुबह पिसवाते हैं, अपना से सत्तू तैयार करते हैं और गोईठा की आग में बनाते हैं मेहनत करके, इसलिए इनका मतलब कि टेस्टी भी है और फायदेमंद भी है खाना। ये देखिए सारी लिट्टी गोईठा पे जा रही है और यहीं पे अच्छी तरह से सेकाई की। कितने देर में पक जाएगी ये? 15 मिनट। 15 मिनट में ये लिट्टी को दोनों तरफ से सेका जा रहा है, काफी अच्छी तरह से सेका जा रही है। पर डाली जा रही है कोईठा को ताकि आराम से पक सके, काफी अच्छा से पक सके। लिट्टी को कोईठा से निकाली जा रही है। देखिए अच्छा लिट्टी को बोरा में डाल के साफ की जाएगी। लिट्टी कितनी साफ हो गई।
बैगन छील रहे हैं, बैगन को छील रहे हैं, उधर आलू को भी छीला जा रहा है ताकि चोखा बन सके। बैगन आलू एक साथ, टमाटर भी डाली जाएगी। इधर चोखा की तैयारी की जा रही है। टमाटर वाला आधा ज्यादा ये बैगन आलू को मैश की जा रही है काफी अच्छी तरीके से। और इसमें टमाटर भी मैश की जा रही है, ये देखिए। धनिया है, मिर्चा है, लहसुन आदि है, इसको चोखा में अच्छी तरह से मैश की जा रही है। इस मात्रा में धनिया को डाली जा रही है चोखा में, नमक डाली जा रही है। किसी की तेल है, सरसों की तेल को काफी क्वांटिटी में डाली जा रही है। अब बढ़िया से मैश हो रही है, चोखा अब रेडी हो चुका है। मटर की चोखा है, प्योर घी, ये जो मेरी प्लेट है तैयार हो रही है। लिट्टी के लिए काफी भीड़ है यहाँ पे, देखिए काफी भीड़ है यहाँ पे। देखिए मेरी प्लेट आ चुकी है, घी से, पूरा घी में भरी हुई है लिट्टी ये। और मुझे मिला है बैगन आलू टमाटर का चोखा और साथ में प्याज, आते हैं इनको टेस्ट बताते हैं। ठीक है, लिट्टी काफी गर्म है, इसमें कुछ फ्लेवर आ रहा है। घी की मात्रा जो है लिट्टी में वो काफी ज्यादा है, इतनी ये गर्म है कि ये टूट नहीं पा रही है। ये देखिए सत्तू की मात्रा ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, ज्यादा आटा की मात्रा है। ये देखिए सत्तू भी थोड़ी सी है। चलिए खाते हैं इसको चोखा के साथ। चोखा भी काफी तीखी है, हर जगह से जो टेस्ट है इनका काफी ही यूनिक है। ऐसे तो मैंने लिट्टी काफी खाई है, गैस पे खाई है, कोयला पे लिट्टी खाई है, सेकी हुई भी खाई है, लेकिन कोयठा पे लिट्टी मैं पहली बार खा रहा हूँ और काफी ही अच्छा ये टेस्ट है। तो हरी मिर्च की लिट्टी खा के दिल बाग बाग हो गया। आपको भी खाना है तो दौड़े चले आइए पटना में, RJD कार्यालय के सामने बीरचंद पटेल मार्ग में, आराम से खाइए और इनकी लिट्टी चोखा एंजॉय कीजिए। बिहार की शान लिट्टी चोखा, वो भी गोयठा में। हमारे व्यूअर्स के लिए एक बाइट आप लोग के लिए, आइए और यहाँ पे लिट्टी चोखा खाइए। मिलते हैं अनदर ब्लॉग में, थैंक यू।